एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बरेली के ब्लॉक शेरगढ़ में स्थित लखीमपुर गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 7 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 58 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने डॉक्टर ज्ञान प्रकाश गंगवार को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गाँव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 3,000 की आबादी एवं 1,365 वोटरों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में 352 राशन कार्ड धारक लाभार्थी है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव की प्राइमरी पाठशाला में लगभग 123 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 22 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 5 हैंडपंप रिवर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 20 विद्युत पोल, 1 विद्युत ट्रांसफार्मर व 10 सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, पुलिया व आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 110 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 आवासों का निर्माण कराया गया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने 8 सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत घर, बारात घर, शमशान घाट, प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री एवं मेन गेट, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश, मैं ग्राम लखीमपुर का रहने वाला हूँ। ग्राम पंचायत लखीमपुर है मेरा और मैं प्रधान हूँ विकासखंड शेरगढ़ से जिला बरेली से। मैं पिछले 2 वर्ष में मैंने जो कार्य कराए हैं उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि 570 मीटर लंबाई में मैंने खड़ंजा डलवाए हैं, नाली निर्माण किया है, 46 स्ट्रीट लाइट मैंने बिजली वाली लगवाई है और 5 सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाई हैं। 110 शौचालय का निर्माण मैं अभी तक करा चुका हूँ। 112 शौचालय निर्माण के लिए अभी बाकी है। 5 प्रधानमंत्री आवास मैंने बनवाए हैं और बाकी अभी बनने बाकी है। मेरे गांव लखीमपुर में, ग्राम पंचायत लखीमपुर में 3 गांव आते हैं, लखीमपुर, कमानपुर और मीरपुर। हमारे गांव में जो अभी विकास कार्य के लिए कार्य होने बाकी है उनमें प्रथम नंबर 1 पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है, नंबर 2 आंगनवाड़ी केंद्र भी बनना है, पंचायत घर नहीं है, बारात घर भी नहीं है और पानी के निकासी के लिए जो व्यवस्था हमारे ग्राम पंचायत में ठीक नहीं है उसके लिए 400 मीटर नाला निर्माण होना बाकी है। प्रधानमंत्री आवास लगभग 50 लोगों को तीनों गाँव में चाहिए होंगे। प्राथमिक विद्यालय लखीमपुर, मीरपुर व कमालपुर में शौचालय निर्माण भी होने हैं और बाउंड्री वाल भी बननी है और गेट लगने हैं और ये शवदाह केंद्र हमारे गांव में नहीं है, उसका भी निर्माण होना बाकी है। 1000 मीटर सीसी रोड एवं खड़ंजा निर्माण, नाली निर्माण ठीक ठाक व्यवस्था हमारे गांव की हो जाएगी। अगर हमको इस तरह से धन मिल जाता है तो हम अपने 2 वर्षों में अपने गांव को पूर्ण रूप से साफ स्वच्छ बना लेंगे। हमारा ये संदेश है अपने प्रधान साथियों को कि जो सरकार से धन मिल रहा है उसका पूर्ण रूप से सदुपयोग करें, बिना किसी भेदभाव के अपने गांव में विकास कार्य करें। वेद प्रकाश गंगवार, ग्राम लखीमपुर, डाकखाना बल्ली, थाना सिसगढ़, जिला बरेली। प्रधान जी कार्य इस समय बहुत अच्छे रहे और काम भी सही चल रहा है जो भी है और अगले करते रहेंगे। उन्होंने प्रण पहले किया था कि हम 5 साल तक युवा हम वालों खुश रहेंगे और काम सही चल रहा है, लैट्रीन भी सही चल रही है, काम अपना आवासीय हो ये ना है वो भी सही चल रही, मैंने आवासीय बने लैट्रीन काम भी वो भी वहाँ पूरा हो ही गया, लखीमपुर में रह गया, कुछ चल ही रहा है, खंजा पड़े वो भी डालिए और खंजा सही है ही।